देखिए जितनी भी माताएं बहनें बैठी है सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ी थोड़ी आगे हो जाए ताकि भीड़ मंदिर में बढ़ रही है, सभी को जगह मिलनी चाहिए। सभी इतने दूर यात्रा करके पहुंचे हैं, अपने आप अपने साथी को बिठाए, थोड़ी जगह दें और सामने भी होने का परिचय दें। एक बार हाथ उठा के निवेदन रहेगा सभी, एकदम शांति बनाए रखें, क्योंकि ये व्यवस्था हमारी खुद की व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बनाना हम अपने हाथ में है और एक सच्चा शांत प्रेमी ही व्यवस्था बना सकता है। निवेदन रहेगा सभी से व्यवस्था में हमारा सहयोग करें, क्योंकि सेवादारों की पूरी टीम इस व्यवस्था में लगी हुई है। निवेदन रहेगा सभी से व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। पूरी हाल के सहारे की मैं माइक में वैसे नहीं मिलता Oh,
श्याम ऐसी कृपा कर सके
चरणों में तेरे पिता का,
भोजन शुरू करवा दिया गया, नीचे भोजन की व्यवस्था में सहयोग करें। सेवादारों से निवेदन रहेगा कि कृपया भोजन की व्यवस्था में, भोजन की व्यवस्था में हमारे छोटा जी की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सहयोग करें। निवेदन रहेगा सभी सेवादारों से कृपया वो सेवादारों में सहयोग करें, सेवा में जो कि भोजन की व्यवस्था नीचे प्रारंभ कर दी गई है। निवेदन रहेगा चलते रहे ताकि बाकी श्रद्धालुओं को भी दर्शन हो सके, बाकी श्रद्धालुओं को। और एक बार बैठ जाए, सेवादार सभी बैठ जाए, और जिसने नीचे भोजन की व्यवस्था में सहयोग करना है वो कृपया, क्योंकि अगर हम लोग खड़े रहेंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगी। हाँ, सभी बैठ जाए, बैठ करके कीर्तनों का आनंद लेंगे। और इस पूरे फागुन मेले के दरमियान हम लोग 6 दिन लगातार आज से श्याम नाम की गंगा में डुबकी लगाएंगे, जिसका प्रारंभ आज एक विशाल ध्वजा यात्रा, जो कि एक ऐतिहासिक ध्वजा यात्रा जिसने पूरे शहर को श्याममय कर दिया। एक बार जोरदार ताली बजे सभी श्याम भक्तों के लिए जिन्होंने अथक प्रयास, क्योंकि मैं हर बार हर जगह एक बात जरूर कहता हूँ, श्याम बाबा का सबसे बड़ा सेवक उसका प्रचारक है। उसका प्रचारक क्यों है कि वो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 16 प्रेमियों को इस बाबा से जोड़ता है। मेरा फिर निवेदन रहेगा कि आप अपने अड़ोस पड़ोस मित्रों को एक बार जरूर बाबा श्याम से जोड़कर देखिएगा। निश्चित रूप से हो सकता है आपके साथ जोड़ा हुआ, आपने जिसको जोड़ा उसका काम बना हो, उसका फल भी आपको मिलेगा। आज रात्रि 9:15 बजे से 9:15 बजे से विशाल भजन संध्या, जिसमें हमारे बीच में सूरत गुजरात से भाई अमित हमारे बीच में भजनों की अमृत वर्षा करेंगे। और कल शुक्रवार श्री श्याम अखंड ज्योति का पाठ श्री मोरबी नंदन ध्वजा संघ पुरानियावादी द्वारा दोपहर 1:30 बजे से 6:30 बजे तक, और रात्रि में 9:15 बजे हमारे बीच में पंजाब अबोहर से श्रीमती तुलसी गोयल अपने भजनों के माध्यम से बाबा को रिझाएंगी। शनिवार हनुमान जी का वार, इस दिन सुंदरकांड का पाठ राजेश मिश्रा जी और पवन जी चलाना के नेतृत्व में दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक सुंदरकांड का पाठ, और रात्रि जागरण हम सब मिलकर के श्याम प्रेमी मंदिर से जुड़े बाबा का करेंगे। रविवार का विशेष दिन महिलाओं के लिए विशेष दिन, सुनिएगा, रविवार का दिन जिस दिन फूलों की होली एवं भजन हमारे बीच में निकिता शर्मा सिमरन अरोड़ा और हम सब मिलकर के बाबा को रिझाएंगे, जिसका समय दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा। और रात्रि में हमारे बीच में राजस्थान की आन बान शान पदमपुर से भाई अजीत जी कामरा हमारे बीच में आएंगे, और जिस दिन का इंतजार फागुन सुदी एकादशी गोवार सोमवार पूरे वर्ष भर हम इंतजार करते हैं, सोमवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ओम श्री श्याम दिवाय नमः हमारे बीच में विशाल छोटा दीपांशु शर्मा के नेतृत्व में हम सब मिलकर के करेंगे। रात्रि में श्री श्याम परिवार मंडल भाई रोहित शेरेवाला धीरज जी जैन हमारे बीच में आएंगे। मंगलवार यानी कि इस मेले का अंतिम दिवस बारस का सुदी बारस, जिस दिन समामणियों का महाभोग और समामणियों का महाभोग लगेगा। रात्रि में श्री श्याम पैदल यात्रा प्रबंध समिति, जिसके भाई राजेश जी कापड़िया, मोहनलाल गर्ग
भाई पवन गुप्ता और साहिल कापड़िया हमारे बीच में, बाबा को मीठे मीठे भजन सुनाएंगे। निवेदन रहेगा सभी कार्यक्रमों में, सभी कार्यक्रमों में अपने परिवार सहित, अपने इष्ट मित्रों सहित पधारें। और मैं फिर कहूंगा कि बाबा श्याम फागुन का रसिया है और फागुन के अंदर अपने श्याम प्रेमियों पर बाबा की विशेष कृपा रहती पूरे वर्ष पर है, लेकिन एक विशेष महीना जो फागुन का महीना, बाबा श्याम का रंग रंगीला महीना, तो निवेदन रहेगा सभी से करबद्ध प्रार्थना रहेगी नमन आज की इस विशाल ध्वजा यात्रा जो कि आप लोगों के सहयोग से संपन्न हुई। नीचे भोजन प्रसाद की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है, सभी से निवेदन रहेगा कि भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाएं। एक जयकारा लगाएंगे, बोले तीनों के नाथ की, आवाज नहीं आई, बोले तीनों के नाथ की, बोले तीनों के नाथ की, बोले तीनों के नाथ की, सभी मिलकर के गाएंगे तो कीर्तन संकीर्तन बनेगा, कीर्तन संकीर्तन तभी बनेगा जब हम मिलकर के गाएंगे और इसी भाव के साथ, क्योंकि किसी ने कहा है कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, अगर भावना में भाव तो भाव से बिना कार है। कहते थे लालू सिंह जी प्रभु का सच्चा दरबार है, जो सच्चे मंदिर जावे उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। सभी मिलकर के गाएंगे ये भजन, नहीं सिद्ध भजन, जिसने भी इसको गाया उसने वो सब कुछ पाया जो उसके मन में, निवेदन रहेगा। हर जगह कहता हूँ ये भजन जरूर गाया कीजिए, जरूर इस भजन को